एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल इंस्पेक्टर किशन के में। ये वीडियो मैंने बस ऐसे मोटिवेट करने के लिए बनाया सबको। इसमें मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि मैं अपनी वाहवाही करूँ या दिखाऊँ सबको कि मेरी क्या सैलरी आ रही नहीं आ रही है। बस एक एज फॉर मोटिवेशन आप जान लीजिए या जानकारी के लिए बनाइए कि लोगों को पता चले कि सैलरी कैसे आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्मॉल डिटेल्स देखते हैं पहले। तिरुनल वैली डिवीज़न में पोस्टेड हूँ मैं। किशन कुमार गुप्ता मेरा नाम जानते हैं आप। इंस्पेक्टर रैंक है और पे लेवल मेरा 7 है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी देखेंगे। नेक्स्ट ग्रॉस सैलरी में सबसे पहले आता है बेसिक पे। बेसिक पे मेरा 44,900 रुपीज़ है, जिसपे 38% डीए लग के 17,062 रुपीज़ होता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है मुझे 2,484 रुपीज़, जिससे मेरा ग्रॉस पे हो जाता है 64,446 रुपीज़। ये ग्रॉस पे है। अब एक गवर्नमेंट रिकवरी जो है, गवर्नमेंट का जो डिडक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा आता है CGEGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अब इसमें होता क्या है, 20 रुपये कटते हैं इसके। स्कीम इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एट लो कॉस्ट एंड ऑन अ होली कंट्रीब्यूटरी एंड सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस। द ट्विन बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस कवर टू हेल्प देयर फैमिलीज इन द इवेंट ऑफ डेथ इन सर्विस एंड लमसम पेमेंट टू ऑगमेंट देयर रिसोर्सेज ऑन रिटायरमेंट। कहने का मतलब यह है कि ये एक तरीके का इंश्योरेंस है कि अगर आपको कोई मिसहैप होता है या कुछ दिक्कत होती है या कोई एक्सीडेंट होता है आपका, जिस तो इस बेसिस पे आपके फैमिली को इस चीज़ से हेल्प की जाएगी विद फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको इसी चीज़ से हेल्प की जाती है अपने फैमिली को। ये इसका मेन मोटो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का। ठीक है, अगला डिडक्शन है EMP टायर वन। इसका सिंपल सा मतलब है NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। नेशनल पेंशन सिस्टम एक सिस्टम है जो रिटायरमेंट प्लान है, जिसमें आपके बेसिक का और DA का 10% हर महीने कट होता है और उतना ही बेसिक और DA का 14% गवर्नमेंट देती है और बेसिक और DA का टोटल 24% आपके NPS अकाउंट में चला जाता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। उसमें भी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे सिर्फ 60% मिलेगा, 40% का पेंशन बनता है। ये था NPS। सर्विस चार्ज लगता नहीं है। LIC फी, लाइसेंस फी है ये, जो मेरा क्वार्टर्स लेकर था मैंने उसका लाइसेंस फीस है 560 रुपये कटता है और जो मीठे पानी का चार्ज है वो 63 रुपये है। CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जैसे कि आपका CGHS का कार्ड बनता है जो हेल्थ कार्ड, उसके लिए हर महीने 650 रुपये कटते हैं। आप भी कभी जैसे आपका कार्ड बन गया, आपकी फैमिली का कार्ड बन गया, जिसपे आप जो लोग आपके डिपेंडेंट हैं उनका कार्ड बन जाता है, तो उस कार्ड पे आप जो भी CGHS इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अपनी दवाइयाँ करा सकते हैं, वो सारे पैसे रिइंबर्स हो जाते हैं। तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज हमारी होती है कितनी, 7,490 रुपीज़, जो मेरा महीने का कटता है। एक चीज़ और आती है नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज, जो नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज है उसमें आती है AICEIA, ऑल इंडिया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर एसोसिएशन। इसका 60 रुपये देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इंस्पेक्टर्स का, सुपरिटेंडेंट्स का, सबका अपना अपना एसोसिएशन है, तो उसके लिए 60 रुपीज़ का ये कंट्रीब्यूशन हर मंथ होता है। मेरी नेट सैलरी जो मेरे इन हैंड सैलरी आती है वो आती है 56,896 रुपीज़। अब इसमें HRA नहीं है क्योंकि मैं क्वार्टर्स में रह रहा हूँ, तो इसमें HRA का कोई मेंशन नहीं किया गया है। मेरी टोटल सैलरी नेट इन हैंड सैलरी 56,896 रुपीज़ आती है। आप जैसा देख सकते हैं दिसंबर मंथ का सैलरी है। मैं फिर से बता दूँ, ये कोई दिखावा के लिए वीडियो नहीं है, बस मैंने जानकारी के लिए बनाई है। जो भी नए लोग आते हैं, जो थोड़े से इच्छुक होते हैं, जो थोड़े से इंथुजियास्टिक होते हैं, कि सोचते हैं कि क्यूरोसिटी होती है लोगों की सैलरी कितनी होती है, तो इसीलिए मैंने बनाई है बस। तो इन्जॉय करिए, और स्पेशली मैंने ये चैनल अपने ब्लॉगिंग के लिए बनाया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मैं आपको ऐसी अपनी लाइफ के वीडियोज़ दिखाता रहूँगा। प्यार बनाए रहिए। नमस्कार, जय हिंद।